सलमान खान ने फिर से बॉलीवुड को दिखाया अपना दम। भारत फिल्मों ने हासिल किया नंबर वन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। सलमान खान की भारत फिल्म 5 जून को रिलीज हुई थी। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। यह फिल्म सिर्फ 3 दिन में 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है और ये फिल्म आज के दिन 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेगी। बता दूं कि वैसे तो भारत फिल्मों को 5 दिन का वीकेंड मिला है, लेकिन हर फ्राइडे मूवी रिलीज को 3 दिन का ही वीकेंड मिलता है। अगर हम भारत फिल्म का 3 दिन का भी वीकेंड गिने तो ये फिल्म फर्स्ट वीकेंड में साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जब सलमान खान की भारत ने इस साल रिलीज हुई सारी फिल्में, चाहे वो केसरी हो, कलंक हो, या उरी हो, या फिर दे दे प्यार दे फिल्म, हर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सलमान खान का एक बार फिर से पंजा बॉलीवुड पर भारी पड़ा है। बात करें मैं फिल्मों की तो ये फिल्मों में सलमान खान, कटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे कई सारे कलाकार हैं। और ये फिल्मों को डायरेक्शन दिया है अली अब्बा जफर ने। बता दें कि ये फिल्म फैमिली ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है और क्रिटिक्स के द्वारा भी ये फिल्मों को काफी पसंद किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।